अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं भाई? बहुत बेहतरीन टूर रहा हमारा। इस वक्त हम नारान के करीब हैं, बटाकुंडी क्रॉस कर चुके हैं और बाबू सर से हमारी वापसी हुई है। अच्छा, और थैंक यू आरिफ भाई एंड थैंक यू माउंटेन रोवर्स फॉर अ ब्यूटीफुल ट्रिप। एंड ये हमेशा हमने जब भी आरिफ भाई के साथ ट्रैवल किया है, हमें बहुत मज़ा आया है हमेशा ही, क्योंकि आरिफ भाई के साथ हमारा शायद चौथा शायद टूर है।
क्या हाल है? खैरियत से हैं भाई। बहुत बेहतरीन टूर रहा हमारा। इस वक्त हम नारान के करीब है, बटाकुंडी क्रॉस कर चुके हैं और बाबूसर से हमारी वापसी हुई है। अच्छा, ओवरऑल पूरा ट्रिप ही बड़ा ज़बरदस्त था, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आया डुमेल में कैंपिंग साइट पर। जो कैंप साइट थी उसमें हमने 2 दिन निकाले, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। और उसके बाद फिर फिशिंग वैली और इसके अलावा रामा मिडोस, और रामा मिडोस के करीब जो होटल है, ठीक है, एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू आरिफ भाई एंड थैंक यू माउंटेन रोवर्स फॉर अ ब्यूटीफुल ट्रिप एंड व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रिप। ये हमेशा हमने जब भी आरिफ भाई के साथ ट्रैवल किया है, हमें बहुत मज़ा आया है हमेशा ही, क्योंकि आरिफ भाई के साथ हमारा शायद 4th टूर है और हमने हमेशा इंजॉय किया। और इस दफ़ा का जो कैंपिंग एडवेंचर टूर था बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छी। लास्ट ईयर हमने कोपराट के साथ किया और इस टाइम हमारा ये साइड है जिसमें फिशिंग वैली, रामा मेडोज, अपना मिनीमर, डुमेल, रैम्बो लेक, क्रिस्टल लेक, तो बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा आउट ऑफ रोड था बट बहुत इंटरेस्टिंग था, लोग बहुत कम थे वहाँ पर, मज़ा आया। क्योंकि जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। ये टूर लाजमी जो भी चाहे ज़रूर इनके साथ एक दफ़ा करें, यहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी जगह थी। थैंक यू आरिफ भाई एंड थैंक यू माउंटेन रोवर्स। थैंक यू।